तो गाइस आज जो है हम आपको बताते हैं, ये जो पैनल होते हैं हमारे, बिजली चालू बंद, सर्किट ब्रेकर, सर्किट पूरा कैसे क्लोज कैसे बंद, तो अभी आपको दिखाते हैं पूरा सिस्टम, तो दिखाते हैं गाइस। और ये यहाँ पे हमारे एसएसओ सर, जो पूरा ऑपरेटिंग काम सब कुछ इन्हीं के अंडर में, सब कुछ यही देखते हैं, सिट डाउन ब्रेक डाउन जो जो भी कुछ यहाँ का सब कुछ यही देखते हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको इसका पूरा, एक एक करके बताएंगे सबके बारे में। देखिए गाइस, ये दिख रहा होगा आपको सभी में, ये इस तरीके से ही कनेक्शन किए गए हैं। बाकी उधर बस राइजर और बस कपलर, उनका सिस्टम थोड़ा अलग है, लेकिन ये दिखाते हैं। जैसे कि ये फीडर है शिवमपुरम का, और ये हमारा जो है पूरा क्लोज पड़ा है सिस्टम, तो इसमें कोई लोड नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर दिखाता है 3 फेस लोड, और यहाँ पर जो है रिले है, और यहाँ पर इसका सिस्टम कितना किलोवाट, कितना फेज पे, कितना पूरा सिस्टम है इसका कुछ अंदर से काफ़ी। और ये गाइस हमारा जो है इसमें जो है शो करता है 3 फेज को, जो पूरे प्रॉपर कनेक्ट सर्किट पूरा रहता है। जैसे इसमें दिखाया गया है लोड चालू है, तो इसमें जो है तीनों फेज को शो कर रहा है, कोई डिस्कनेक्ट नहीं है। और इसमें गाइस सर्किट देख सकते हैं आप नीचे में, जैसे कि सर्किट हमारा जो है अभी बंद पड़ा है देख सकते हैं आप, तो जो यहाँ पे देख सकते हैं ये डिसकनेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर है वो भी ओपन है, और ये देख सकते हैं अर्थिंग किया गया है पूरा है यहाँ पे ये सिस्टम। और उसके बाद ये लोड चालू है यहाँ पे, तो इसका सिस्टम देखिए, अभी जो है इसमें लोड चालू है यहाँ पे, ये 3 फेस लोड दिखा रहा है इसमें, और इसका ये सिंगल फेस का लोड है। बाकी अगर हम इसे इसका 2 फेस का भी दिखाएगा, 3 का भी, ये इसमें बटन प्रेस करना पड़ता है यहाँ पर। और गाइस ये जो है ये रिले है, इसमें देख सकते हैं आप, ये जो ग्रीन है ये पावर एलईडी, और ये क्लोज परमिशन दे रहा है, मतलब कि सर्किट जो है हमारा क्लोज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं 3 फेज की, जो तीनों फेज की इसमें करंट दिखा रहा है, एक में है 23 एम्पियर, एक में 24 एम्पियर, एक में 23। बाकी ये चेंज होता रहता है, क्योंकि एसी है, एसी तो बार बार, और लोड भी हमारा जो है वेरिएबल होगा, तो इसी वजह से चेंज भी होता रहेगा। और गाइस ये यहाँ पे जो है हमारा, ये जो है ये ब्रेकर को कंट्रोल करता है, और ये डिसकनेक्ट करता है, मतलब कि जब ब्रेक डाउन चाहिए होता है या सिट डाउन या कुछ भी सिस्टम जो है। और इसमें जो रिले में देख सकते हैं आप, ये सर्किट दिखा रहा है ग्राउंड नहीं है, बाकी अगर ग्राउंड होता तो इसमें ये ग्राउंड का सिग्नल देता है, देख सकते हैं। जैसे कि हमने आपको अभी यहाँ पर क्लोज सिस्टम दिखाया था, और ये लोड हमारा जो है चालू है, तो ये सर्किट पूरा क्लोज है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सर्किट ब्रेकर भी क्लोज है, और ये अर्थिंग को हटाया गया है क्योंकि ये ऑन लोड है, और यहाँ पे जो है ऑफ लोड है, इसीलिए अर्थिंग किया गया है। और यही पूरा सिस्टम पैनल में सेम है ये बिल्कुल, मतलब इसमें हमारे पास जो है 6 फीडर है, एक तो उधर पे ये सफ़ीपुर और सुभाष नगर, और इधर में जो है हमारा ये ट्रांसफॉर्मर 1, और इधर ट्रांसफॉर्मर 2। और ये जैसे कि हमारा एक ट्रांसफॉर्मर जो है अभी रिपेयरिंग के लिए गया हुआ है, तो ये जो पूरा लोड है ये पूरा ट्रांसफॉर्मर 2 पे किया गया है, और वो जो हम ये पूरा सिस्टम कनेक्ट किया गया है, ये बस कैपलर देख रहे हैं आप, तो इसके थ्रू कनेक्ट किया हुआ है हमने वो। और जो ये ट्रांसफॉर्मर 1 है हमारा, ये भी जो है क्लोज पड़ा है, मतलब कि रिपेयरिंग के लिए ट्रांसफॉर्मर तो यहाँ है ही नहीं, तो इसलिए इसका सिस्टम पूरा क्लोज है। और ये यहाँ पर जो हमारे पैनल है इस साइड में, ये इनकमिंग के पैनल है, और ये पैनल है जो ये आउटगोइंग के, जो यहाँ से हम सप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो 6 फीडर को, और यहाँ पे 33 kV है, और ये 11 kV के फीडर है हमारे, ये 33 kV जो है इसमें इनकमिंग है हमारे पास। और इसमें जो वो ट्रांसफॉर्मर 2 और ये ट्रांसफॉर्मर 1, और जिसमें ये जो हम ट्रांसफॉर्मर को जब चालू करते हैं, तो इसको जो है ट्रांसफॉर्मर को ज़्यादा ऑनलाइन ऑन लोड पे ही जो है हमारा ट्रांसफॉर्मर चालू किया जाता है। और इसमें देख सकते हैं आप, जो लोड है इसमें, इसका लोड अलग है और इसका अलग है, तो ये 33 kV है इसका लोड, ये चल रहा है, ये 3 सिंगल फेज का लोड है। बाकी इसमें भी ऐसा ही सिस्टम है, रिले का भी वही सेम प्रोसेस है ये सिस्टम तो। और जैसा कि ये पूरा सिस्टम जो है डीसी से ऑपरेट होता है, ये इधर में कंट्रोल सिस्टम है हमारे, और इधर में ये पूरा जो सिस्टम है सब, तो इसमें डीसी की जो सप्लाई चाहिए होती है ये यहाँ पे रखे हुए हैं बैटरी। ये जो बैटरी है, जैसे हम पावर सिस्टम में पढ़ते हैं कि 2 वाट की एक बैटरी होती है, 2 वोल्ट की सॉरी, कह
कि 2 वोल्ट की एक बैटरी होती है हमारी। तो ये जो बैटरी है देख सकते हैं आप कितनी बड़ी है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो बैटरी है ये यहाँ से लगी हुई है, यहाँ से नंबर एक देख सकते हैं आप 29 और ऐसे करके 55 बैटरियाँ हैं वो देख सकते हैं 55, मतलब 2-2 वोल्ट की है तो 110 वोल्ट हो गया। और जो सीरियल नंबर स्टार्ट है ये देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट है और ये ऐसे में लगाई गई है पूरी 2-2 वोल्ट की। पूरा सिस्टम जो है कनेक्ट किया गया है और इस सिस्टम को देख सकते हैं आप, ये 110 वोल्ट डीसी जनरेट करता है यहाँ से पूरा सिस्टम और इसको दी जाती है डीसी सप्लाई इसको। और जैसे ही हम जैसे कि किसी पे ब्रेक डाउन लेते हैं तो ये प्लेट टांग दी जाती है इस पे, ये प्लेट को ऐसे लगा दिया जाता है। देख सकते हैं इनके भी सर्किट जो है आप, यहाँ भी सर्किट ब्रेकर क्लोज है क्योंकि सिस्टम जो है हमारा चालू है इसलिए इसमें भी सर्किट ब्रेकर क्लोज है और अर्थिंग को जो है ओपन किया गया है। और जैसे कि कोई इसमें और गाइस जो है इनके कंट्रोलिंग सिस्टम दिखाते हैं आपको, जैसे कि ये कंट्रोल सिस्टम दिख रहा है आपको, ये हमारा ट्रांसफार्मर 2 का हो गया और ये इधर जो कंट्रोल सिस्टम है ये ट्रांसफार्मर 1 का होगा। ये भी डीसी सप्लाई से ही कनेक्ट है और जो ये वाला सिग्नल है जो ट्रांसफार्मर में वो कोल्स रिले लगी हुई है तो यहाँ से जो है सिग्नल को सिग्नल देता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये यहाँ पर एमीटर है और यहाँ पर वोल्ट मीटर, ये वोल्टेज को मेज़र करता है और ये करंट को मेज़र करता है देख सकते हैं आप। तो गाइस इसके बारे में जो है हमको कंफर्म पता नहीं है तो इसके बारे में थोड़ा हम आपको हमारे एसएसओ सर विजय सर है नाम इनका, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जो ये सिस्टम है जी हमारी बिजली की सप्लाई के लिए, उधर से जो इनकमिंग है हमारी या आउट गोइंग, जो 33 इनकमिंग से टेक होके हमारा जो सेपरेट ट्रांसफार्मर है इधर वाला वहाँ पे इधर में, अच्छा अच्छा पावर हाउस के लिए, इससे हमारे पूरे पावर हाउस के लिए सप्लाई जो भी चाहिए हमें इसी सप्लाई चाहिए वो। और इसमें अंदर सर ये मेन है, इससे क्या होगा, ये हमारा सबस्टेशन का है, इससे हमारा सबस्टेशन पूरा बंद रहेगा। अगर इसे ऐसे कर दिया तो ये भी पूरा सिस्टम क्लोज, ये यहाँ पे का जो है पूरा कंट्रोल सिस्टम है यहाँ का पूरा हम सब स्टेशन का क्लोज हो जाता है यहाँ से। और इसको ओपन करा तो सब चालू, सब चालू हो गया और यहाँ से हमारा ये पूरा और जो सिस्टम है ये हमारा है बैटरी चार्जर, जो ये चार्जर है बैटरी चार्जर, ये वाला बैटरी चार्जर, इस बैटरी चार्जर के लिए ये वाला। और इधर में ये बाकी हमारे स्पेयर में, ये सारे स्पेयर में ये चालू है, ये हाउस लाइटिंग है स्विच, ये अंदर की लाइटिंग का है जितनी भी लाइटिंग है, अच्छा है पूरा सिस्टम मेन है, बाहर केवल लाइटिंग है, ये आउटडोर में ये स्पेयर में हमारा, ये भी स्पेयर में दो, ये कंट्रोल पैनल की सप्लाई है, अच्छा सारे कंट्रोल पैनल में इनकी सप्लाई इस सप्लाई, अच्छा ये हमारा मोटर के लिए टूबेल, ये हमारा जितनी भी स्ट्रीट लाइट है उनका, ये बीच में 10-12। और इधर में ये हमारा बैटरी चार्जर, ये मतलब ये जैसे वोल्टेज है डीसी एसी, ये एसी वोल्टेज है 400 वोल्ट, ये फ्लोट की फ्लोट चार्जिंग जो कंटिन्यूस चलती रहती है, अच्छा ठीक है ठीक। अभी हम इसे बूस्ट कर लेंगे, बूस्ट चार्जिंग ऑन करेंगे, ये हमारा जो है बूस्ट चार्जर, मतलब अच्छा ये यहाँ पे बूस्ट मैंने अच्छा। और यहाँ पे जो ये ऊपर में शो कर रहा है 3 फेज, ये हमारी 3 फेज सप्लाई है जो इनकमिंग आ रही पावर हाउस के लिए, अच्छा। और जैसे इसमें कोई डिस्कनेक्ट अगर हुआ, डिस्कनेक्ट अगर ये होती है तो ये आउट हो जाता है, तीनों हो गए एक ही होगा, तीनों इंडिकेटर आउट। और जैसे कि अगर कहीं पे फॉल्ट आ जाए, कहीं पे फॉल्ट आ गया जैसे मतलब लाइन टू लाइन फॉल्ट हो गया अगर, तो इसमें से कितने से इसमें से कोई सा फेज उड़ गया तो उसकी लाइट बंद हो जाएगी, अच्छा ये हमारा एनर्जी मीटर है, बिजली घर की कितनी खपत हो रही है, इसमें जो शो कर रहा है क्या किस चीज़ की रीडिंग है, ये बिजली घर की रीडिंग, बिजली घर में कितना यूज हुआ, अच्छा यहाँ पे टोटल कितना यूज हुआ, अच्छा उसका एनर्जी मीटर, ये एनर्जी मीटर यहाँ पे बैटरी की सप्लाई।
और ये हमारी टोटल सप्लाई है वो जो टोटल कनेक्ट है उधर में, जितने भी पैनल हैं वो जो 33 पैनल के लिए, 11 पैनल के लिए, और ये टोटल जो स्विच देख रहे हैं आप, ये सभी स्विच उधर जो बैटरी लगे हुए हो 55 बैटरी है, रिमोट है ओएलटीसी, ये स्विच ये क्या कंट्रोल होगा हमारा, अच्छा ऑन लोड पे टैप चेंजर, अच्छा ये गाइस ये जो हमारे ये ट्रांसफार्मर में ऑन लाइट ऑन लोड टैप चेंजर होता है उससे जो है यहाँ से टैप चेंज होते हैं, ये जो देख रहे हैं आप ये वाला स्विच है ना, ये यहाँ से हम राइज कर सकते हैं और यहाँ से लो कर सकते हैं, अच्छा अभी ये बंद पड़ा है, अभी ये वाला बंद है हमारा सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला हमारा चालू है, और ये गाइस जो हमारे पैनल है अभी इसके बारे में कंफर्म आपको हमारे एसएसओ सर बताएंगे क्योंकि इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमारे से तो डेयरी ज़्यादा, तो ये जैसे ये हमारा सिस्टम है एलवी बॉक्स है, एलवी बॉक्स लो वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम के इस वाले में इलेक्ट्रॉनिकल ऑपरेट करते हैं यहाँ से, और ये जैसे ही दिखाया गया है इन सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल है हमें ये ट्रिप करने के लिए, अच्छा देर की सप्लाई ट्रिप करनी है हम यहाँ से ट्रिप कर सकते हैं, अपन मैंने परमानेंटली अगर क्लोज करनी हो तो कुछ देर के लिए कुछ अगर परमानेंटली कोई शट डाउन आता है कुछ भी आता है तो हम यहाँ से पहले से बंद करेंगे ट्रिप करेंगे, अच्छा सर्किट को फिर यहाँ पे सो करेगा सर्किट ब्रेकर यहाँ पे, फिर हम इसका आइसोलेटर कट करते हैं इसे अर्थिंग करने के लिए बस से आइसोलेट करेंगे, अच्छा यहाँ से ये सर्किट ओपन फिर हम चाबी ऑन करके अच्छा अर्थिंग कर सकते हैं, अर्थिंग मैनुअल भी होती है अर्थिंग इलेक्ट्रॉनिकल भी होती है, और ये जो दोनों काम है हमारे मैनुअल भी हो सकता है, अच्छा अच्छा ऑफ हो जाएगा चालू हो सकता है होने, अच्छा ये जो मतलब और यहाँ से जो करते हैं इसे मैन्युअली होता है ये मैन्युअली होता है, अच्छा और ये जो इसके लिए हैंडल लगाया गया ये हैंडल इसी के लिए है, तो देख सकते हैं गाइस वो जो मैन्युअली ऑपरेट होता है ये जो इसका हैंडल है पर्सनली ये जो है हमेशा मैन्युअली होगा, ये यहाँ से जो हम अर्थिंग करते हैं ना इसको जैसे कि मेंटेनेंस या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको जो है अर्थिंग करेंगे तो मैन्युअली करेंगे, ये देख सकते हैं गाइस ये हमारा जो है मैन्युअली का हैंडल है, इसको ये देख सकते गाइस इसको ऐसे लगा यहाँ पे ऐसे लगाया जाता है, ये हमारा सिस्टम जो है ये क्लोज है तो इसलिए ये मतलब इसे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सिस्टम क्लोज है, और ऐसे चलते हुए भी चालू नहीं कर सकते, अगर सिस्टम होगा तो दिखाएंगे आपको चालू जब होता होता है, बाकी हमने पिछली बार में वीडियो भी डाली थी चालू करते हुए सिस्टम की, और इधर जो हमारा 33 का केवी का जो हैंडल है वो हैंडल अलग होता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला हैंडल है 33 के भी।